निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको चार क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी क्वेश्चनों को आपने दो चरों के अंदर लिखना है। जैसे यहाँ पर मेरे पास x है, ये एक चर है, y है, ये भी मेरे पास एक चर है, x मेरे पास एक चर है, y मेरे पास एक चर है। दो चरों को कहने का मतलब उसके अंदर x भी आना चाहिए और y भी आना चाहिए। जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर है, इसमें सिर्फ मेरे पास x है, मुझे इसके अंदर y लेके आना है। तो देखते हैं कैसे लेके आते हैं। x बराबर है मेरे पास माइनस का 5 x, ये मेरे पास इधर माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का 5 बराबर हो जाएगा 0। अब मुझे y लेके आना है, तो कोई भी वैल्यू y के साथ गुना होती है तो वह पूरी वैल्यू मेरे पास 0 के बराबर है। जैसे मैं लिख सकता हूँ 0 गुना में अगर मैं y लिख दूँ तो मेरा आंसर आएगा 0। तो x प्लस 0 गुना में मैं y लिख देता हूँ और प्लस का 5 मेरे पास आ जाएगा। तो देखेंगे, चेक करेंगे, x x प्लस 0 गुना में y, 0 और y को गुना करूँगा तो मेरे पास 0 आएगा। तो यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखी हुई है, प्लस का 5 है, प्लस का 5, यानी कि यही आपका हो जाएगा उत्तर। सेकंड पार्ट करते हैं, y बराबर है मेरे पास 2 के, तो यहाँ पर मेरे को y दे रखा है, इसमें x लेके आना है। तो यहाँ पर मेरे पास प्लस का 2 है, तो इधर आगे हो जाएगा माइनस का 2। तो वही है, 0 गुना में x कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0 ही। तो 0 गुना में मैंने x कर दिया, प्लस का y, ये माइनस का 2 है, बराबर हो जाएगा 0। तो दोस्तों x और y मेरे पास दो चर आ गए हैं, जैसे यहाँ पर मेरा x और y दो चर आ गए थे। तो ये दोस्तों है आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड पार्ट, 2x बराबर का 3 है। तो 2x ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का। अब मुझे यहाँ पर y लेके आना है, तो ये मुझे टेक्निक यूज़ करनी है। तो 2x जमा में 0 गुना में y माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 0। दोस्तों यही है आपका उत्तर। पाँच वाई बराबर है 2, यहाँ पर y है, मुझे x लेके आना है। तो 5y, ये वैल्यू यहाँ पर मेरे पास प्लस में है, इधर आके हो जाएगी माइनस में। तो 0 गुना में x लिख दूंगा, जमा में 5y लिख दूंगा, माइनस का 2 बराबर हो जाएगा 0 के। दोस्तों यही है आपका उत्तर। अगर मैं एक और बात करूँ, अगर मैं लिख दूँ माइनस 0 गुना में y बराबर होगा 0, क्योंकि माइनस 0 से गुना होगा तो ये मेरे पास 0 ही रहेगा, 0 y से गुना होगा तो मेरे पास 0 होगा। यहाँ पर मैंने प्लस लिखा है, यहाँ पर मैं माइनस भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर जैसे प्लस है, यहाँ पर भी माइनस में लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं प्लस लिया, यहाँ पर मैं माइनस भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर मैं माइनस भी लिख देता। आपका आंसर सब में क्या होगा, सेम ही आएगा, और आपका आंसर कैसा होगा, सही ही होगा।